हाय दोस्तों, जावेद टेक्टर साहब में आपका स्वागत है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे वर्कशॉप पे आ चुका है स्वराज 744। तो दोस्तों ये ट्रैक्टर हमारे वर्कशॉप पे क्यों किस लिए आया है दोस्तों, तो इसमें बहुत छोटी सी वजह है। ये डीजल पंप में डीजल उतर रहा है दोस्तों, इसमें ऑयल होता है, तो इसमें ऑयल की जगह पर जब डीजल उतर रहा है तो इसमें कोई कारण है तभी तो उतर रहा है डीजल। तो इसमें आपको आज दिखाएँगे कि ये वाला प्रॉब्लम अपने घर पर ये वीडियो देख के आप सॉल्व कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, अगर चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक वाइक मारा करें भाई, मोटिवेशन होता है कि हमारे वीडियो सबको अच्छा लगता है। तो आपको भी दिखाएंगे दोस्तों जल्दी से इसमें कौन सा वजह है कि हमारे ट्रैक्टर बहुत साफ पे आया है। तो दोस्तों अभी इसमें बहुत छोटी सी वजह है, इसमें जो फ्यूल पंप का वायरिंग है वही कट गया है, इसीलिए पंप में डीजल उतर रहा है। आपको दिखाएंगे भी यहाँ पर, तो आपको दिखा देते हैं दोस्तों। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब मारा करो। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखिए यहाँ पे डीजल निकल रहा था। अभी मोबिल डालने के लिए हम मोबिल डालने जा रहे थे तो इसमें देखा जाए, यहाँ पे आप देखिए डीजल पूरा इतना डीजल निकला इसमें, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये डीजल निकल रहा है। तो दोस्तों ये कारण क्यों किस लिए हुआ है दोस्तों, इसका जो फ्यूल पंप का वायरिंग लगता है यहाँ पर, जो सलाई चलती है उसी के रास्ते से जाता है, और इससे नहीं जाता तो पंप के लाइन से जा सकता है। यहाँ पर भी जब ज़्यादा दिक्कत होता तो यहाँ से भी जा सकता है डीजल। तो भी यही खोल के आपको दिखाएंगे, हम आज श्योर हूँ कि इसमें ही कटा हुआ है इसका वायरिंग। तो जल्दी इसको करने के लिए दोस्तों यहाँ पे एक नट लगा हुआ है, ये वाला खोल लेना है ये वाला, और इसका फ्यूल पंप का तीन नट लगा है, इसमें खोलकर आपको दिखाएंगे हम। यहाँ पे आप देखिए ये नट लगा हुआ है, तो जल्दी से इसको खोल के आपको मेन जड़ तक दिखाएंगे दोस्तों। हाँ दोस्तों, अगर चैनल पर ना हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने किसान भाइयों में शेयर कर दें। दोस्तों यहाँ पर एक नट लगता है, यहाँ पर हमने एक खोल लिया और एक नट यहाँ पर, तो जल्दी से इसको खोलेंगे हम यहाँ पर। ऐसे इस नट को ढील करके आप देखना दोस्तों, यहाँ पे डीजल चू रहा है, देखिए पूरा एक कैम निकालने जा रहा है, तभी डीजल निकलेगा इसमें। देख सकते हैं दोस्तों कितना डीजल गिर रहा है इसमें पंप, देखिए इसमें कितना डीजल निकल रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं। जल्दी से इसको खोल के दोस्तों आपको दिखाएंगे मेन जर तक निकाल। देख सकते हैं दोस्तों हमारा भी फ्यूल पंप निकल गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों हमने निकाल लिया, यहाँ पे आप देखिए दोस्तों। तो इसी के रास्ते से दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका कट चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका सलाई भी कट चुका है, इसका वायरिंग यहाँ पे लग रहा है अंदर, यहाँ पे लगा हुआ है दोस्तों। तो इसको भी निकाल के आपको दिखाएँगे, यही वाला वायरिंग कट गया तब भी डीजल पम्प में डीजल उतरने लगा दोस्तों। डीजल पम्प में अगर डीजल उतरेगा दोस्तों तो ज़्यादा दिन पम्प नहीं चलेगा, उसका लाइफ ख़राब हो जाएगा। इसमें मोबिल रहता है तो चिकनापन ख़त्म हो जाएगा, तो प्लेनर ख़त्म हो जाएगा। तो इसको भी जल्दी से निकाल के आपको दिखाएंगे हम। तो दोस्तों इसको निकालने के लिए हमें यहाँ पे एक सुई की मदद से, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका वायरिंग हम निकालने जा रहे हैं। पकड़, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसका वायरिंग यहाँ पे लगता है, यही वाला वायरिंग, और ये सलाई हमको नया डालना है दोस्तों। यही वाला भी दुकान से लाएंगे हम, ये वाला लगाएंगे, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कट चुका है सलाई भी, तो इसका नवा इसका वायरिंग और सलाई नया डालेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पुराना वाला सलाई, तो इसका कट चुका है सलाई, इसको हम साइड कर देते हैं, और ये वाला हम सलाई लेके आए हैं, और यहाँ पे एक वायरिंग, तो ये भी ऐसे लगाना होता है दोस्तों, इसमें ज़्यादा कोई झाम नहीं है। यही वाला वायरिंग ऐसे लगाकर यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे उल्टा सुई करके हमको बैठा देना है इस खांचे के अंदर, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अच्छे तरीके से दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने बैठा लिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये वाला सलाई हमको यहाँ पे डाल देना है। और दोस्तों इसको लगाने के बाद में ये वाला हमको चलाना चाहिए, चलना नहीं चाहिए, नहीं चलेगा तो हमारा फ्यूल पंप तेल नहीं देगा तो ट्रैक्टर दबेगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए ऐसे फ्री रहना चाहिए, यहाँ पर देखिए तेल फेंक रहा होगा, यहाँ पर ऐसे चलता है दबे तभी काम करता है हमारा फ्यूल पंप। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से वर्क करता है, यहाँ पर, यहाँ पर ऐसे चलना चाहिए। अब दोस्तों ये हमारा हो चुका है, यहाँ पे अभी सिलाख लगा लेंगे थोड़ा सा, एनामोंड यहाँ पे लगा देंगे दोस्तों। अब देखिए कुछ इस तरीके से लगाकर हमको ये वाला सलाई, और यहाँ पे हमको लगा देना है, दबाकर बैठाना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं नट को ले लेना है हाथ में, ऐसे नट हाथ में लेकर
और एक इसको दबा कर ऐसे लगा देना है हमको। दबाएंगे नहीं, इसमें स्प्रिंग रहता है नहीं तो बैठा नहीं पाएंगे दोस्तों, तो इसको दबा कर लगाना होता है हमको। इसको लगा कर जल्दी से दोस्तों इसको नटको हम फंसा देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे दबा कर लगाना होता है हमको। तो यहाँ पे हमारा लग चुका, अभी जल्दी से लगा कर आपको दिखाते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देखिए तीनों बोल्ट लगा कर इसको लाइन को लगा देना है स्टॉपेज। तो दोस्तों यहाँ पे हमने बांध के इसको कंप्लीट कर लिया था। अब इसको बांधने के बाद में दोस्तों यहाँ पे हमें ऑयल डालना होता है, आधा लीटर इसमें पड़ता है। यहाँ पे हमने सर्वो का ऑयल मंगा लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ से एलंकी का बोल्ट खोल के 10 नंबर इसमें लगता है, एलंकी 44 में। तो यहाँ पे हमने खोल लिया, इसी के रास्ते से हमको आधा लीटर ऐड इसमें ऑयल ऐड कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे अभी से जल्दी से उकर के आपको स्टार्ट करके ट्रैक्टर दिखाएंगे हम। देख सकते हैं दोस्तों इस तरीके से हमको ऑयल को इसमें लगा देना है, डाल देना है। इसी 1 लीटर ऑयल है दोस्तों, इसमें आधा हम डालेंगे, आधा लीटर ऑयल इसमें डाल देंगे हम। जल्दी से डाल कर आपको ट्रैक्टर को स्टार्ट करके दिखाएंगे हम। तो अभी हमारा ट्रैक्टर कंप्लीट हो गया है बनके, अभी ट्रैक्टर को स्टार्ट करके देखते हैं हम। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारा ट्रैक्टर अभी स्टार्ट हो चुका है। ट्रैक्टर को यहाँ पे हम बंद कर देते हैं दोस्तों। तो देखा दोस्तों कितना छोटा वजह से दोस्तों किसान का इतना परेशानी होता है इसमें। तो ये वीडियो आप देख करके अपने घर पे भी आप ये इतना काम कर सकते हैं। आप भाई लोग बोलेंगे जावेद भाई तो इतना छोटा छोटा काम दिखाते हैं, हर किसान को भैया नहीं मालूम है, हर किसान परेशान हो जाता है इतनी छोटी की काम के लिए हर मिस्त्री को पास जाना पड़ता है। तो ये सब लोग और लोग कर लेते हैं जो पुराने ट्रैक्टर चलाने वाले वो तो कर लेते हैं, ये नए के लिए वीडियो है दोस्तों। देखेंगे तो अपने इतना काम अपने घर पे कर सकते हैं इसमें वीडियो देख के। तो आशा करता हूँ हमारा वीडियो अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो भैया लाइक मार दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए धन्यवाद।